हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रचित। आज जो मैं फार्मूला बता रहा हूं वो ग्रीन फिनाइल का फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि ग्रीन फिनाइल का फार्मूला बताएं। तो ये फार्मूला इस तरह है दोस्तों। हम लोग लेंगे DHM टॉप, फिर लेंगे दोस्तों TRO 50%। दोस्तों दो टाइप के TRO हैं, 50% भी है, 70% भी है। आप भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो 50-70, आप उसके हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से बना सकते हैं दोस्तों। दूसरा मैं तीसरा चीज़ ले रहा हूँ एल्फॉक्स 200। ठीक है दोस्तों, और मैं थोड़ा सा लूँगा ग्रीन कलर जो कि मैंने कागज़ में दे के रखा हुआ है। कोशिश करिएगा कि आप जो कलर लेंगे वो पाउडर फॉर्म में ही लें। ठीक है दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में ना लें, पानी में मिक्स किया हुआ। दोस्तों मैं ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं जो लूँगा, मैं लूँगा DHM टॉप लूँगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ये DHM टॉप ले लिया है। उसके बाद मैं लूँगा दोस्तों TRO 50% ले रहा हूँ मैं। देखिएगा दोस्तों, TRO डाल रहा हूँ मैं। देखो TRO डालने के बाद इसमें थोड़ा सा धुंधलापन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिएगा, एकदम मिट्टी कलर का हो चुका है दोस्तों। ये अभी थोड़ी कुछ टाइम तक ऐसे ही रहेगा, जब इसको आप 4 से 5 घंटे छोड़ेंगे तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी दोस्तों हमने TRO और टॉप को मिलाया था, DHM टॉप को, तो अब उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें एल्फॉक्स 200, ताकि इसमें सेपरेशन आए हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने इनको बहुत अच्छे से मिला लिया। दोस्तों जब आप बड़ा बैच बनाएंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको मिक्सर के साथ मिक्स करना है। जितना आप अच्छा मिक्सर के साथ मिक्स करेंगे इसको, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये चीज़, इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको मिक्सिंग का ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये इसको ऐसा बना लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसमें लेंगे ग्रीन कलर। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर मिला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसका कलर थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के ग्रीन हो रहा है दोस्तों। अभी मैंने कलर मोस्टली घोल चुका हूँ इसका। दोस्तों इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है 4 से 5 घंटे बाद आएगी। देखिएगा इसका कलर कितना अच्छा होते जा रहा है, आप देख रहे होंगे इसका कलर कितना अच्छा हो रहा है। दोस्तों इसकी जो कॉस्ट जाएगी, ये जाएगी 35 से 40 रुपए के बीच। वो डिपेंड करता है आपको मटेरियल किस रेट पे आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी हमें कलर और डालना चाहें तो हम और भी डाल सकते हैं, बट मैं अभी आपको दिखा रहा हूं तो मैं अभी कलर इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगा दोस्तों। जो इसका डिस्क्रिप्शन में जो मैं इसके मटेरियल का क्वांटिटी लिख दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा मैंने कितने मटेरियल से 1 लीटर बनाना होगा मुझे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो मटेरियल है ये तैयार हो चुका है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हम लोग, मैंने जो है व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया था, एक ग्रुप मेरा पूरा फुल हो चुका है। तो अब मैंने एक और ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने व्हाट्सएप में डाला हुआ है, तो आप चाहें तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा मटेरियल जो है अब तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, अब मैं इसको इसमें मैं कलर हल्का डाला है, तो ये पैरेट कलर का दिख रहा है। आप चाहें तो कलर और डार्क करके इसको डार्क ग्रीन कलर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आपका मटेरियल तैयार है। अभी आपका जो मटेरियल तैयार है, मैं इसको पानी में डाल के दिखाता हूँ। आगे आओ, देखिएगा मैं इसको पानी में डाल के दिखाऊंगा। ये देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैंने ये ज़्यादा पानी में डाला है। ये देखिएगा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। दोस्तों अभी इसमें क्या है, हमें परफ्यूम डालनी होगी। मैं इसमें थोड़ी परफ्यूम डाल देता हूँ। मैंने ये नीम की परफ्यूम डाल दी है इसमें थोड़ी। अगर आप परफ्यूम डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो आप इससे भी अच्छा परफ्यूम प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फिनाइल तैयार हो चुका है। ये देखिए प्रोडक्ट हमारा पूरा एकदम तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।